Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان वहमतुल्लि वरक मैं मदरस रियाजुललूम अलजदीद अरबिक कॉलेज हुबली का ज़िम्मेदार महतम हूँ इस मदरसे का क़याम उन्नीस सौ तिरपन में कारी तैयब रहमा के इशारे से और उनके मशवरे से किया गया था वालिद साहब इसको मुस्तकिल मौलाना रियाज़ अहमद साहब फैजाबादी चलाते रहे उनके इंतकाल के बाद दो हज़ार तीन में मेरे ऊपर ये बोझ डाला गया पहले मैं इसका इनकार करता रहा बहरहाल दो हज़ार दस में मुझे मजबूर होकर के जो है वो मदरसे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी उसके बाद क्योंकि मदरसा पुराना जो था वो रियाजा के नाम पे था किसी मसलहत के तहत उसका नाम तब्दील करना पड़ा और मदरसे की जगह बहुत छोटी थी लिहाजा अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया और हमने चार एकड़ ज़मीन ली और ये हुआ कि एक मदरसा जो है वो तामीर किया जाए इसका जो पूरा बजट है वो तकरीबन चौदह करोड़ रुपए का है जिसका पहला विंग जो है वो तैयार होने के करीब है अगर 20-25 लाख रुपए भी हो जाए तो एक इसका हिस्सा तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें तकरीबन 210 बच्चों की रिहाइश का इंतज़ाम हो सकता है इसी तरीके से बच्चों की रिहाइश हमने इस अंदाज़ में किया है कि मैं जो जिस तरीके से रहना और पढ़ना पसंद करता हूँ उसी तरीके से बच्चों के लिए रहने का इंतज़ाम किया गया है के लिए क्योंकि उमूमन, मा की तनख्वाहें मदारस पे बहुत कम होती हैं तो मैंने बड़ी कोशिश किया कि तनख्वाह कम से कम तीस से पैंतीस हज़ार रख रक, रखी जाए लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ जो मेरे हाथ में था तो मैंने ये कर दिया कि अपने इस को जो है मैंने रिहाइश मुकम्मल फ्री दे दिया और रिहाइश बाकायदा फर्निश्ड है दो कमरे और एक हॉल के साथ है जिसमें फ्रिज भी लगा करके देते हैं वॉशिंग मशीन है आर है डबल बेड है और चूल्हा है बिस्तर है यानी सिर्फ आ कर के उनको जो है वो चाबी ले लेना है ये इस तरीके से रिहाइश उनको फ्री कर दी गई और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात ये की गई कि जो भी आदमी इसमें जो भी ऐसा तजा अगर हमारे मदरसे के खाने को पसंद करते हैं तो ढाई सौ रुपये महीने के लिहाज से वो एक फ़र्द का अदा कर दें और मदरसा उनको खाना भी देता है तो इस तरीके से तनख्वाहें तो पंद्रह से सत्रह हज़ार अट्ठारह हज़ार के बीच में हैं नए महत्तम की तनख्वाह जो है वो तकरीबन तीस से बत्तीस हज़ार है और मैं अल्लाह के फजल से और आप लोगों के दुआओं से बस लाफिल्ल काम करता हूँ और मेरी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो दूसरे अंदाज़ में हो जाता है लिहाजा मैं मदरसे से कोई भी तनख्वाह नहीं लेता हूँ और कोशिश ये थी कि एक अलग कस्म की लाइब्रेरी बच्चों के लिए और आवाम भी अगर आकर पढ़ना चाहे तो उनका भी इंतज़ाम किया जाए ये मैंने जो है वो लाइब्रेरी का नजम संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह दो हज़ार बीस में हमने नए पुराने मदरसे से नए मदरसे में बच्चों को जो है वो शिफ्ट कर दिया और बच्चे इसमें इस, इस वक्त रह रहे हैं लाइब्रेरी की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी माशाल्लाह और एक बहुत ही आला किस्म की लाइब्रेरी बनाई गई और जिसमें बाहर के लोगों को भी पढ़ने का इंतज़ाम है और तलबा के लिए भी खाने के सिलसिले में आ, हर दिन का हमारा अलग मेनू है और उसी के लिहाज से खाना पकता है आपको ये बता दें कि मैं मोहतम हूँ और मैं ख़ुद भी वही खाना दोपहर में यहाँ खाता हूँ और उसकी फ़ीस पे करता हूँ लेकिन खाना वही खाता हूँ जो तलबा खाते हैं वही मैं भी खाता हूँ तो इस तरीके से बच्चों में इस बात का एहसास नहीं होने दिया जाता कि मोहम्मन साहब बहुत अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं और हम लोगों को ख़राब खाना खिलाते हैं लिहाजा ऐसी कोई बात हमारे तलबा के दरमियान में नहीं है मदरसे के जानिब से जो सहूलतें बच्चों को दी जाती हैं कि जो बच्चा अपने आप को कहता है कि मैं मुस्तक हूँ और गैर मुस्तती हूँ मेरे अंदर ताकत नहीं है उसका पूरा सब कुछ ख़र्चा मदरसा बर्दाश्त करता है साल में चार जोड़े कपड़े हम देते हैं उनके इलाज का और हर तालबिल को अगर उनके घर से कोई पैसा नहीं आता है तो जैसा तालबिल की उम्र होती है या क्लास होती है उस हाथ से कम से कम दो सौ रुपये से तीन सौ रुपये पॉकेट मनी दी जाती है और इसी तरीके से हर दिन एक दिन छोड़ के बच्चों को असर के बाद जो है क्योंकि हमारा भी दिल चाहता है कि असर बाद हम कुछ खाएँ पिए तो बच्चों को भी जो है वो असर के बाद कभी बिस्किट बदल बदल करके जो है वो बच्चों को इस किस्म का भी नज़म किया जाता है अब हम हमने जो मस्जिद तामीर की है अल्लाह के फजल कलम से भारत में मैं मस्जिद की ख़ूबसूरती के लिहाज से बात नहीं करना चाह रहा हूँ मस्जिद की जो खसूसियत है वो इसमें जैसे मिसाल के तौर पर मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो मस्जिद के सामने जो पंखे लगे हुए हैं ये पंखे सब सब साउंड प्रो लगाए गए हैं ताकि जब रिकॉर्डिंग हो तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी तकरीरें जाती हैं तो लोग उस मैार पर उसको देखना चाहते हैं तो इस तरीके से वो सारे पंखे हालाँकि तौर पर जो सीलिंग फ़ैन छत के पंखे होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा अठारह सौ अट्ठारह उन्नीस सौ में मिल जाते हैं लेकिन ये पंखे साढ़े सात सात हज़ार रुपये का एक एक पंखा लगाया गया है सामने के तकरीबन आठ पंखे ऐसे हैं कि जिसमें किसी किस्म की आवाज़ नहीं होनी चाहिए इसी तरीके से अमूम मस्जिद में सुतरे का कोई इंतज़ाम नहीं होता है लिहाजा हमने मस्जिद के बीच में जो है चार सब के बाद जैसे सऊदी में बाद मस्जिदों में सुतरे का इंतज़ाम किया गया है वैसे मैंने भी अलहमदिल्ला इंतज़ाम किया है और सबसे जो बड़ी बात है वो वजू ख़ाना है वज़ू खाने में उमूमा ऐसा होता है कि ज़्यादातर वजु खाना ऐसे होते हैं कि वजू करने वालों को तकलीफ़ ही रहती है लिहाजा हमने इस बात का बहुत अहतमाम किया है कि हर आदमी वज़न के लिहाज से ऊँचाई चाहता है एक मिसाल देता हूँ जिस आदमी का वजन 90 किलो होता है 90 से 100 किलो 100 110 किलो वो चाहता है कि 11 इंच की हाइट हो चबूतरे की वज़ू की तो उसको कंफर्ट होता है आराम होता है लिहाजा वज़ू खाने का हर चबूतरा पहले बीच में जो चबूतरा है वो 11 इंच का है उसके बाद सारे चबूतरे छोटे होते होते चले गए हैं ताकि छोटे बच्चे जो पचास साठ किलो के हैं वो भी अगर बैठना चाहें तो उनके लिए छः इंच का है जो ज़्यादा उम्र ज़्यादा वेट वाले लोग हैं ज़्यादा वजन वाले लोग हैं उनके लिए ग्यारह इंच का है ऐसा मेरे अंदाजे में भारत के किसी भी मस्जिद में नहीं है और दूसरी बात एक बात बताना चाहता हूँ जो वजू के बनाए गए हैं चबूतरे उमूमा गोल होता है या चौकोर होता है हमने जो वजू का चबूतरा बनाया है वो वी शेप में बनाया है वी शेप में बनाने का मतलब ये होता है ऐसे कि अगर आप बैठे हैं और आपको महसूस हुआ कि नल हमसे दूर है तो आप उस चबूतरे पे बैठने के बाद आगे खिसक जाइए और अगर आप महसूस कर रहे हैं नल करीब है तो आप पीछे आ जाइए इस मद्द मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमने ये काम किया है और इसी के साथ साथ भारत के में बहुत कम पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है जो है मैय को नहलाने के लिए बाकायदा अलग से गसूलखाना बनाया गया है आप ये नहीं समझें गाना से मुराद महज जो है वो सिर्फ़ एक चबूतरा बना दिया गया है। नहीं बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है और उसमें शावर लगे हुए हैं दो आ, चार आदमी एक साथ नहलाने के लिए हर आदमी के हाथ में शावर होगा और वो इस तरीके से मैत को नहला सकता है तो इस तरीके से वो भी एक यूनिक चीज़ है जो भारत में बहुत कम मसाजिद में या मदारस में रखी गई हैं अब हमारा आइंदा का जो प्रोग्राम है कि बच्चों के लिए मदीद जो है वो रिहाइश का मामला है क्लास का मामला है इसके के लिए जो है वो रिहाइश का मामला है क्योंकि अभी तकरीबन हमने वन फोर्थ काम किया है चौथाई हिस्सा काम हुआ है और चौदह करोड़ का इसका बजट है लिहाजा मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मदरसा आकर के देखें और मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मदरसे में इन बच्चों को ऐसे रखा जाए जैसे कि हम अपने घर में बच्चों को रखते हैं क्यों अमीर लोग हमारे मदरसे में बच्चे को नहीं भेजते हैं उसकी वजह यह है कि हमारे खाने का निज़ाम ऐसा नहीं होता है कि उनका बच्चा खा सके हमारे यहाँ रिहाइश का ऐसा इंतज़ाम नहीं होता कि उनका मालदार का बच्चा आकर रह सके इन दोनों बातों को मद्दनज़र रखते हुए हमने इस बात की कोशिश की है और मदरसे की तालीम के सिलसिले में एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मदारस तो भारत में जाल बिछे हुए अलहमदिल्ला लेकिन यहाँ के मदरसे में इस मदरसे में मदरसे रियाूमल जद जरबिक कॉलेज में हमने कोशिश की है कि वो जो हम उम्मत में इतहाद पैदा करने की तमन्ना लिए हुए हैं हमारे फारिगी से कभी भी कोई शिकायत ऐसी नहीं आएगी कि जहाँ पर कहीं पर भी जहाँ रहेंगे वहाँ इतिहाद की कोशिश करेंगे और हमारा जो मसलक है हमारा जो मकसद है वो अतदाल है इसी लिए पूरा मदरसा अतदाल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर हमने उसका नाम भी अतदाल रखा है हम जो चैनल चलाते हैं उसका नाम भी अतदाल है हमारे फ़ारक़ीन जो होते हैं उनका नाम भी अतदाली है ये हम दुनिया वालों को और ख़ास हम अपने भाइयों को अपनी बिरदरी को बताना चाहते हैं कि मदारस में ये ऐसे तलबा फ़ारिग किए जाएँ जो सबको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हों बर्दाश्त करने से मुराद ये नहीं थी कि मुदाहनत फिर दीन हो बल्कि जहाँ तक जमहूर जिस बात पर इतफ़ाक़ करते हैं वहाँ तक जो है वो बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत हो तो इस मकसद के तहत तालीम दी जाती है और अलहमदिल्ला इसमें हम बहुत कामयाब हैं हम मसलकान दारालूम देवबंद के सिलेबस को हम फॉलो करते हैं एक आध परसेंट कहीं कोई किताबें जो है वो अलग से होंगी और जो हमने निसाब में जो बात कह सोची है और रखने की कोशिश की और रखा है वो दो बातें हैं पहली बात तो ये है कि क़ुरान मजीद को हम टॉपिक से पढ़ाते हैं मिसाल के तौर तो पर शिरक पर पढ़ा दिया गया तो शिरक पर जितनी आयतें हैं सब को एक साथ बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि शिरक़ के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें कही हैं किसी एक नबी के बारे में तख्लीक़ आदम के बारे में है तो एक जगह पढ़ा दिया जाए लिहाजा हम कुरान मजीद को सूरत से पढ़ाते हैं लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक से पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक से पढ़ाने से बच्चे के जहन में एक मरतबा में सारी बातें जो है वो एक साथ आ जाती हैं इसी तरीके से सीरत की अमूमन किताबें मदारस में बतौर निसाब के दाखिल नहीं हैं लेकिन हमने निसाब में दाखिल किया है और इस तरीके से दाखिल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को नबी कर की मदनी ज़िंदगी को बाकायदा उसका इम्तहान होता है और उनको बता दिया जाता है कि आप इन किताबों से रेफ़र करके सीरत का मताल करें तो निसाब में हमारे यहाँ लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम दालूम देवबंद के निसाब को फॉलो करते हैं ये बुनियादी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था जदाकल्ला खैर वाख्र दवाना अनहमदलबिल